हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। बात कर लेते हैं यहाँ से जल्दी से, कल का मार्केट का व्यू क्या है। हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, हम बुलिश है जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है। हमने कहा था 300 पॉइंट प्लस खुलेगा, 325 गैप अप हुआ, 418 पॉइंट प्लस हुआ। आज के लिए हमारा व्यू था बाय ऑन डिप, मार्केट ऊपर खुला, हल्का सा डिप लगा, वहां से मार्केट डे हाई पर बंद हुआ। निफ्टी बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया है, 20,855 पर क्लोज हुआ है, 20,800 पर 70 से 72 लाख कॉल राइटर खड़ा है जो ट्रैप हो चुका है। एक्सपायरी परसों है। एफआईआईज की बाइंग पोजीशन, बाइंग जो फिगर आई है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। अभी तक की मैं मान के चल रहा हूं पिछले एक साल की हाईएस्ट फिगर आई है, 5500 के करीब एफआईज ने कैश में बाय किया है। अभी एफएनडो का डेटा नहीं आया, एफआईज सुपर बुलिश है अपनी मार्केट पर, क्योंकि निफ्टी को 19,600 तक लाने का काम रिटेलर का था, 19,600 से ऊपर लाइफ टाइम हाई बनाने का काम एफआईज का है। तो ये मान के चलिए एफआईज बाय करते हैं तो लाइफ टाइम हाई बनता है, एफआईज सेल करते हैं तो थोड़ा बहुत गिरता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम लो कट जाएगा जैसे पहले गिरता था, क्योंकि रिटेलर के पास बहुत पैसा है, अपने यहां देश में बहुत पैसा है, लोग वेट कर रहे हैं करेक्शन का, पैसा लगाने के लिए। तो बैंक निफ्टी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। आज एक मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज आई है यूएस की तरफ से। यूएस ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है, उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा अदानी ग्रुप के स्टॉक पर, जो 10 से 15% 20% तक के अपर सर्किट वहां लगते हुए दिखाई दिए। उसका इंपैक्ट पड़ा बैंकिंग पर, बैंक के बल्ले बल्ले हो गए यहां से। बैंक इतना पॉजिटिव हुआ कि एक टाइम पे 750 पॉइंट प्लस था बैंक निफ्टी। उसका रीजन ये है कि बैंकों का बहुत हैवी लोन है अदानी ग्रुप पर। अगर अदानी ग्रुप की कंडीशन सुधरती है तो बैंकों की टेंशन खत्म हो जाएगी। ये बैंक और अदानी ग्रुप एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं आमने सामने से। तो बैंकिंग के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है, अदानी ग्रुप के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। एफआईएस की बाइंग मार्केट को रुकने वाली नहीं, हमारा टारगेट इंटैक्ट है, 21,300 हमें दिखाई दे रहा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कल 21,000 हमें दिखाई दे जाए। तो मार्केट में बुलिश साइड में बैठिए, आपको डिप मिले बाय कीजिए। और मार्केट इस टाइम स्मार्ट प्ले कर रहा है। अगर आरएसआई 91 के आसपास था, आज 91 के आसपास निफ्टी का आरएसआई, उसके बाद मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हुआ, वो आरएसआई घट के 60 आ गया। ओवरबोर्ड से मार्केट कब कंफर्ट जोन में आ रहा है बाइंग के पता भी नहीं चल रहा है। तो सुबह पीसीआर 1.66 1.7 बैंक निफ्टी का, वहां तक पीसीआर पहुंचा, उसके बाद कूल ऑफ आया, 300 पॉइंट का करेक्शन आया, पीसीआर हल्का हुआ, मार्केट फिर डे हाई पर। अभी आज अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो लॉस करेंगे बहुत मोटा, क्योंकि पोजीशन नहीं है मार्केट में किसी के पास, बहुत कम लोग बुलिश है मार्केट में, बहुत हल्की पोजीशन है ट्रेडर की। इन्वेस्टर की पोजीशन अलग है, उनका अलग डिवीजन है। ट्रेडर अभी भी शॉर्ट कर रहा है, इससे ऊपर क्या जाएगा, इससे ऊपर क्या जाएगा, वो ट्रैप हो रहा है। हमें ट्रैप नहीं होना है, हमें स्मार्ट प्ले करना है। बाय ऑन डिप, आप मान के चलिए बाय ऑन डिप में रहेगा मार्केट, कोई भी आपको छोटा मोटा करेक्शन दिखाई दे, 100 पॉइंट्स का भी दिखाई दे, आपको बाय कर लेना है। और एक आज यहां पर मैं आपको एक यूनिक पॉइंट बता रहा हूं इस रैली के लिए, जो आपके लिए कामगार होगा, पैसा डबल कर सकता है। अगर आपको किसी दिन भी 200 से 150 पॉइंट मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे निफ्टी, आप आंख बंद करके कॉल खरीद लेना, क्योंकि वो फर्स्ट सेल ऑफ होगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और बहुत अच्छे से बता रहा हूं, जो लिख लीजिए अपने पास, जो आपको कोई बता ही नहीं सकता, सब ज्ञान पे लेंगे, कोई चार्ट दिखाएगा, चार्ट पे हम लोग बाद में आएंगे। अगर निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट की बुल रन में गिरावट आती है, मार्केट तेजी चल रहा है, 1000 पॉइंट की रैली हो चुकी है, पहली गिरावट आती है अगर 100 से 150 पॉइंट की, तो वो 100% बॉट हो जाएगी, 100% बाय कर ली जाएगी, वो मार्केट वहां से रिकवर करके पॉजिटिव खड़ा हो जाएगा। आपको उसमें नहीं फंसना है, कोई भी गिरावट आए 100 से